अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। देखो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता था, जो हम खाना खाते थे उसको डाइजेस्ट करते थे, उसमें से न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती थी और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंच जाते थे, बॉडी के सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन उस न्यूट्रिएंट से अभी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी जब मिलती है जब उस सेल के अंदर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीजन पहुंच जाए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे बर्न करना चालू कर देगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जब सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, ये क्या है, ग्लूकोज। और जब हम सांस लेते हैं तो सेल्स के अंदर क्या पहुंच जाती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, धीरे धीरे इस ग्लूकोज को चलाना शुरू कर देगा और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट एंड प्लस एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। दिस इज एन एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, जो एनर्जी बनती है वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, लेकिन सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती, कुछ एनर्जी बच जाती है। तो जो कुछ एनर्जी बच जाती है वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये स्टोर कहां पे होती है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो ये एटीपी क्या करेगा, टूट जाएगा और हमारी बॉडी को दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो एप्रोक्स 38 एटीपी बनते हैं किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, ठीक, नोट करो।